दोस्तों, इस वक्त मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर है और फोर्ब्स के मुताबिक वे दुनिया के 8वें धनी व्यक्ति हैं। कभी बड़े भाई से आगे था छोटा भाई, लेकिन 15 साल में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 9 गुना बढ़ गई है। वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की बात करें तो उनकी नेटवर्थ इस समय 0 है और आज उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनका दिवाला निकल चुका है। एक वक्त ऐसा था जब अनिल अंबानी अर्श का सफर तय कर रहे थे, मगर आज फर्श पर आ चुके हैं। एक भाई इतना अमीर और दूसरे की हालत इतनी ज्यादा खराब, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। अब आप लोगों ने जीरो से उठकर करोड़पति बनने वाले लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने वाले अनिल अंबानी आखिर कंगाल कैसे हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक भाई की दौलत बढ़ती जा रही है और दूसरे का कर्ज? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धीरूभाई अंबानी अपनी सदी के सबसे काबिल और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते थे। उन्होंने अपनी काबिलियत पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का निर्माण किया था। धीरूभाई अंबानी रिश्तों को बहुत तवज्जो देते थे। कारोबार की गलियों से लेकर सियासत की सीढ़ियों तक उन्होंने रिश्तों की बागडोर को कभी ढीला नहीं पड़ने दिया। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया था। अपने निधन से पहले वह एक बड़ी गलती कर गए। अपने जीते जी उन्होंने बेटों के नाम वसीयत नहीं की। ये और बात है कि इसी के कारण मुकेश और अनिल अंबानी के बीच रिश्ते दरक गए। शायद धीरूभाई को इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि जिस तरह दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, उनके कारोबारी साम्राज्य के सामने इस तरह की नौबत कभी नहीं आएगी। हालांकि 2002 में उनके आंख मुनते ही भाइयों में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। इसके बाद सब कुछ वही हुआ जो अक्सर सामान्य घरों में होता है। दोनों भाइयों में कारोबारी साम्राज्य के लिए संघर्ष शुरू हो गया। रिलायंस पर कब्जा पाने के लिए मुकेश और अनिल में जंग छिड़ गई। धीरूभाई अंबानी ने 30 साल में जिस कारोबारी साम्राज्य को खड़ा किया था, उस पर बंटवारे के बादल घिर गए थे। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि किस भाई को कितनी कंपनी मिलेंगी। दोनों भाइयों में ये तय नहीं हो रहा है कि आखिर कौन संभालेगा अपने पिता के निर्मित किए गए इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को। आखिर में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माता कोकिलाबेन अंबानी ने अपने दोनों बेटों के बीच में जायदाद और संपत्ति बराबर में बांटकर दोनों भाइयों की आपसी मतभेद को हटा दिया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन सभी कंपनीज को सफल बनाने में बहुत मेहनत की थी और वे इन कंपनीज को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना जानते थे। छोटे भाई ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बनाया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी नई नई और ग्रोइंग कंपनियां दी गई, क्योंकि वे खुद भी ऐसी ही कंपनीज लेना चाहते थे जिनका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे आने वाले समय में उनके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो। बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था और वो समझौता ये था कि वे दोनों अगले 10 साल तक एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेंगे। यानी कि अगर छोटे भाई के पास रिलायंस इंफोकॉम बिजनेस है तो फिर बड़े भाई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कदम नहीं रखेगा, और बड़े भाई के पास पेट्रोलियम बिजनेस है तो छोटा उसमें नहीं जाएगा। और इस तरह दिसंबर 2005 में अंबानी परिवार का यह बंटवारा तय किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अनिल अंबानी के हिस्से में ज्यादा अच्छी कंपनियां आई है और इसी वजह से अनिल अंबानी बड़े भाई से आगे निकल जाएंगे, और शुरुआती दौर में ठीक ऐसा ही हुआ। अनिल अंबानी तेज रफ्तार से ग्रो करने लगे और उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाने लगी। अखबारों से लेकर न्यूज चैनल तक हर तरफ उन्हीं का नाम छाया हुआ था और ये उनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। उनके ठाट कुछ ऐसे थे कि वे घर से ऑफिस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज करते थे। उस वक्त अनिल अंबानी के नाम का सिक्का कुछ ऐसा चल रहा था कि साल 2008 में वे जब रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए तो 60 सेकंड्स के अंदर ही 100% सब्सक्राइब हो गया, और ये आज भी इंडियन कैपिटल मार्केट में अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। और ऐसे ही उनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2009 में आर्थिक मंदी आई। दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में भी बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हुआ। एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरती गई और मुकेश की रैंकिंग बढ़ती गई।
2008 में मुकेश पांचवे और अनिल छठवे नंबर पर थे, लेकिन अब अनिल अंबानी तो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर ही हो गए थे। 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। उस दौरान अनिल अंबानी की नेटवर्थ $42 बिलियन हुआ करती थी, और हाल ही के इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने कहा है कि उनकी नेटवर्थ जीरो है, यानी कि उनका दिवाला निकल चुका है और वे अब किसी को भी कर्जा चुकाने लायक नहीं रहे। अनिल अंबानी ने 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए उसमें $2 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। उस वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन एक मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी थी। इस फैसले से रिलायंस कम्युनिकेशन पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। अनिल अंबानी ने कर्जा चुकाने की फिरात में साउथ अफ्रीकन मोबाइल कंपनी MTN से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उनसे उनको मदद न मिलने के कारण रिलायंस कम्युनिकेशन काफी भारी नुकसान में चली गई। अप्रैल 2011 में अनिल अंबानी के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 वाइस प्रेसिडेंट को उन कंपनियों के लिए गलत तरीके से मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस हासिल करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने धोखे से शेयर की कीमत को बढ़ाया था। इसी दौरान CBI ने अनिल अंबानी से 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के मामले में पूछताछ की, और इसी वजह से अनिल अंबानी की कुल संपत्ति 4 गुना गिरकर $8.8 बिलियन हो गई। 2012 में घोटालों के बीच अनिल अंबानी ने मौजूदा कर्ज का भुगतान करने के लिए चाइनीज बैंक से और अधिक कर्ज लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 3 चाइनीज बैंकों से अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी पर $1.2 बिलियन से अधिक की लोन ली। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन पर स्वीडिश नेटवर्क कंपनी एरिक्सन का $80 मिलियन बकाया था, जिसे चुकाने में वह नाकामयाब रहे, और इसी के चलते एरिक्सन ने 2016 में अनिल अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 2019 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को ब्याज सहित कर्ज चुकाने या जेल जाने का आदेश दिया था। उस दौरान अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एरिक्सन को बकाया पैसा देकर अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया था। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर दी। शुरुआत में कंपनी ने 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस जियो तेजी से बढ़ने लगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक आ गए थे। इस समय तक छोटे भाई अनिल के रिलायंस इंफोकॉम कंपनी का मार्केट शेयर भी 8% से ज्यादा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइस वॉर की वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटते गए और मुकेश कंपनी के ग्राहक बढ़ते गए। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक है, जबकि रिलायंस की ग्राहकों की संख्या अब 18,000 भी नहीं रह गई है। जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई तो दुनिया भर के अमीरों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। मुकेश और अनिल की संपत्ति में भी भारी कमी आ गई। इसमें सबसे बड़े भाई मुकेश तो निकल गए, लेकिन छोटे भाई अनिल फंसते ही चले गए। एक तरफ बड़े भाई का कारोबार बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई पर कर्ज। आज हालत यह है कि अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर है, तो दूसरी ओर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त कर चुके हैं। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन अब उनकी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अनिल अंबानी पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनियों की मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियों की मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए से भी कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक अनिल की कंपनियों की मार्केट कैप 1645.65 करोड़ रुपए थी। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अनिल अंबानी के पास अभी भी काफी सारी संपत्ति और धन दौलत है, जिसको उन्होंने लोगों की नजरों से छिपाया हुआ है, और वो अपनी नेटवर्थ जानबूझकर जीरो इसलिए बता रहे हैं ताकि चाइनीज कंपनियों का जो उन पर कर्जा है वो माफ हो जाए। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये कह पाना काफी मुश्किल है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।